नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल और बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ। किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे हो गए हैं और आज 12 घंटे का भारत बंद रहने वाला है। तो सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक भारत बंद का ऐलान किया गया है। तो भारत बंद के चलते गाजीपुर बॉर्डर एक बार फिर से ब्लॉक हो गया है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक भारत बंद का ऐलान किया गया। भारत बंद के चलते गाजीपुर बॉर्डर एक बार फिर से बंद हो गया है। दिल्ली के खुले वैकल्पिक रास्ते भी एक बार फिर से जाम होते हुए नजर आ रहे हैं। रोड और रेल ट्रांसपोर्ट को भी ब्लॉक किया जा रहा है। किसानों ने व्यापारिक बाजार बंद रखने की अपील की है व्यापारियों से। किसानों ने प्रदर्शन को शांतिपूर्ण करने की भी अपील की है। 5 चुनावी राज्यों में बंद नहीं करने वाले किसान संगठन, कई किसान संगठनों ने बंद करने का समर्थन भी दिया है। देशव्यापी संगठन का साथ भी मिल रहा है। तो भारत बंद के चलते राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आज 12 घंटे का भारत बंद रखने वाले हैं किसान और सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक भारत बंद किया जाएगा। तो क्योंकि 4 महीने हो चुके हैं किसान आंदोलन को, ऐसे में किसानों ने यह बड़ा फैसला लिया है कि भारत बंद किया जाएगा और उसका असर भी देखने को मिल रहा है। तो लगातार सरकार को ये चेतावनी दी जा रही है कि ये जो 3 कृषि कानून है ये रद्द होने चाहिए। और इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं कि कहां कहां असर ज्यादा पड़ रहा है। पंजाब में असर ज्यादा दिखता है इस भारत बंद का। इसके अलावा हरियाणा में, राजस्थान में भी असर देखने को मिल रहा है और इसके अलावा लगते राज्य जो दिल्ली के आसपास है वहां पर अभी से असर देखने को मिल रहा है। और धीरे धीरे और जब तस्वीरें आएंगी तो हम आपको दिखाएंगे कि कहां कहां इस भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है।